गुड मॉर्निंग कंटेस्टेंट्स एंड आवर वंडरफुल ऑडियंस, वेलकम टू जीबीसी अपडेट द बैटल ऑफ ब्रेन्स क्विज सीरीज 2023। इट गिव्स मी ग्रेट अमाउंट ऑफ जॉय इन इंट्रोड्यूसिंग माय हार्ड वर्किंग टीम एंड आवर वंडरफुल कंटेस्टेंट्स ऑफ टुडेज कॉन्टेस्ट। वी हैव मिस्टर अमित महाजन प्रेजाइडिंग ओवर टुडेज इवेंट, मिस लक्ष्या कल्याण एज एन इवेंट रेगुलेटर, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिस्टर जितेंद्र प्रिंस बिहाइंड द कैमरा। नाउ लेट्स हैव एन इंट्रोडक्शन ऑफ आवर कंटेस्टेंट। कंटेस्टेंट नंबर वन मिस्टर आशीष फ्रॉम डीएवी कॉलेज स्कूल होशियारपुर। गुड मॉर्निंग सर। कंटेस्टेंट नंबर टू जसपीर फ्रॉम डीएवी कॉलेज स्कूल होशियारपुर। गुड मॉर्निंग सर। कंटेस्टेंट नंबर थ्री सिमरदीप फ्रॉम डीएवी कॉलेज स्कूल होशियारपुर। गुड मॉर्निंग सर। कंटेस्टेंट नंबर फोर मुस्कान फ्रॉम डीएवी कॉलेज स्कूल होशियारपुर। गुड मॉर्निंग सर। कंटेस्टेंट नंबर फाइव जैविक फ्रॉम डीएवी कॉलेज स्कूल होशियारपुर। गुड मॉर्निंग सर। कंटेस्टेंट नंबर सिक्स अक्षित फ्रॉम डीएवी कॉलेज स्कूल होशियारपुर। गुड मॉर्निंग सर। कंटेस्टेंट नंबर सेवन चेतन फ्रॉम चौधरी परवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। गुड मॉर्निंग सर। एंड कंटेस्टेंट नंबर एट राघव अगेन फ्रॉम डीएवी कॉलेज होशियारपुर। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम एवरीबॉडी। सो कैसा लग रहा है आप लोग को? कोई कंपटीशन शुरू होने से पहले नर्वस लगते थे ना? नहीं सर। कंफर्टेबल हो? सभी जीतना चाहते हो? सभी ओके, यू विल प्ले टू विन, दैट्स ग्रेट, दैट शुड बी द स्पिरिट, दैट शुड बी, यू शुड बी मोटिवेटेड। सो बी रेडी एंड बी मोटिवेटेड। आई वॉन्ट एवरीवन टू विन। गुड लक एवरीबॉडी। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द रूल्स ऑफ द कंपटीशन। आउट ऑफ एट कंटेस्टेंट्स ओनली थ्री विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द सिल्वर चेयर राउंड। एट क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन द फर्स्ट राउंड। इन द फर्स्ट राउंड द वन हु प्रेसेस द बजर फर्स्ट विल गेट द चांस टू आंसर एंड ही ऑर शी विल हैव टू आंसर द क्वेश्चन। एंड कंटेस्टेंट्स विल देन बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड फॉर द सिल्वर चेयर राउंड। Understood? So shall we begin? Yes, sir. Yes, sir. Ready? Yes, sir. Let's see who is the champion of today's event. Yes, contestants, your hands near your buzzer. Your first question is, which UT of India has the highest proportion of Muslims? A. Andaman and Nicobar Islands, B. Daman and Diu, C. Lakshadweep Islands, or is it D. Chandigarh? Yes. Which UT of India has the highest proportion of Muslim population? Yes, 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 yes. Daman and Diu. Do you want to go with it? Sure? Yes. Pakka? Yes. You don't want to change? No. Magic Spring ne Raghav bataya hai ki aapka answer सही नहीं है। इट इज नॉट द करेक्ट आंसर राघव। द करेक्ट आंसर इज लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आइलैंड्स, दे हैव द लार्जेस्ट प्रपोर्शन ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन। यस कंटेस्टेंट्स, रेडी फॉर द सेकंड क्वेश्चन? श्योर? योर सेकंड क्वेश्चन इज, हु वाज द महाराजा ऑफ कश्मीर when it acceded to Indian Union in October 1940। होशियारपुर का पहला मल्टी ब्रांड कार सर्विस वर्कशॉप जिथे किसी भी तरह दे डैमेज अते एक्सीडेंट गड्डियां दी रिपेयर 50% तक दी लेबर छूट नाल कीती जांदी है। आज ही पहुंचो वर्मा ऑटो टांडा रोड होशियारपुर। 7 A महाराजा हरि सिंह, B महाराजा गुलाब सिंह, C महाराजा ध्यान सिंह, और इज इट D शेख अब्दुल्ला। कश्मीर। यस, हु इज ब्रदर वाज़ द फर्स्ट? इट इज आशीष। यस आशीष फ्रॉम डीएवी कॉलेज स्कूल। यस, व्हाट्स योर आंसर? सर ए हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह। श्योर? यस सर। यस मैजिक स्क्रीन जी, बताइए कि आशीष का उत्तर सही है या नहीं। आशीष, इट इज द करेक्ट आंसर। टिल नाउ वी हैव आशीष हु हैज गिवन द करेक्ट आंसर ऑफ वन क्वेश्चन। कांग्रेचुलेशन आशीष, इट वाज इंडीड महाराजा हरि सिंह। मूविंग फर्दर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी कैंडिडेट्स, शैल आई आस्क? Who founded Arya Samaj? A. Raja Ram Mohan Rai, B. Swami Dayanand, C.
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इज डी ज्योतिबा फुले यस हु इज प्रेसिडेंट ऑफ इट इज मुस्कान मुस्कान यस व्हाट्स योर आंसर राजा राम मोहन रॉय राजा राम मोहन रॉय डू यू वांट टू गो विद इट यस सर यू कैन चेंज इफ यू वांट नो सर श्योर यस सर लेट्स आस्क आवर मैजिस्ट्रेट वेदर मुस्कान आंसर इज करेक्ट और नॉट यस मुस्कान आई एम अफ्रेड इट इज नॉट द करेक्ट आंसर Arya Samaj was founded by Swami Dayanand Saraswati ji. Swami Dayanand, Raja Ram Mohan Roy ji founded Brahmo Samaj. You will get the chance. No need to worry. Now, moving on to the next question. Your candidates ready? Contestants ready? Your fourth question is: Who was the President of United States of America during World War I? A. Calvin Coolidge, B. Franklin Delano Roosevelt, C. Woodrow Wilson, or was it D. John F. Kennedy, JFK's John F. Kennedy? Yes, yes, yes. It is Raghav who has pressed the buzzer. Yes, Raghav, what's your answer? John F. Kennedy. John F. Kennedy. Do you want to go with it? Yes. Pakka, President of USA during World War I. Yes. You seem quite confident. दर्शकों देखते हैं हम अपनी मैजिस्ट्रीन से पूछते हैं कि राघव का उत्तर सही है या नहीं यस मैजिस्ट्रीन जी बताइए राघव आई एम अफ्रेड इट इज नॉट द करेक्ट आंसर जॉन एफ कैनेडी ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए फ्रॉम 1961 टू 63 द करेक्ट आंसर इज वुड्रो विल्सन ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 नाउ शैल आई आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन कंटेस्टेंट्स Your fifth question is, come on contestant, back up! Your fifth question is, which two superpowers were involved in Cuban Missile Crisis? Which two superpowers were involved in Cuban Missile Crisis? A. USA and UK, B. USA and USSR, C. India and Pakistan, or was it D. UK and France? Yes, who has pressed the buzzer first? Ashish. Yes, what's your answer? Sir, it's B, United States and USSR. Sure? Yes. Sir. Yes, Majeskin ji, bataiye, hame sahi uttar hai ya nahi? Yes, Ashish, your answer is absolutely correct. Very well answered, Ashish. It was indeed USA and USSR. Aur ye aisa mauka tha, jab world ki dono badi superpowers न्यूक्लियर वॉर के न्यूक्लियर मेजर के पास आ गई थी इन 1962 वेरी वेल आंसर्ड आशीष नाउ यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द सिल्वर चेयर राउंड वी हैव आशीष हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द सिल्वर चेयर राउंड नाउ यू विल नॉट पार्टिसिपेट फर्दर द रेस्ट ऑफ द सेवन कैंडिडेट्स विल पार्टिसिपेट दे विल ट्राई टू गिव द करेक्ट आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आई एम गोइंग टू आस्क यू अंडरस्टूड आशीष नो पार्टिसिपेशन यस कैंडिडेट्स रेडी Your sixth question is Dash nu dudh pilana Complete this muhavra A. Bakri B. Sher C. Sab Or is it D. Kaan कार लेके आओ सुजुकी बाइक एंड स्कूटी दे नाल ही पाओ 5000 तक का कैशबैक 100% तक का लोन इस दे नाल फोर वी आकर्षक ऑफर मिलो वर्मा सुजुकी जलंधर बाईपास होशियारपुर सब श्योर हां जी सर वो पे बकरी या कहा तो नहीं आंसर नहीं सर यस मेरी स्क्रीन जी बताइए इट इज इंडीड सब सब को दूध पिलाना वेरी वेल आंसर मुस्कान नाउ वी हैव Ashish who has been selected for the silver chair round and Muskan who has given one correct answer. Candidates, come on. Sif 6 question reh gaye hai. Aur abhi tak sif Ashish ki selection hui hai. Chaliye, shall I ask next question? Yes, candidates. Yes. Ready for the next question? Yes. Your next question is What is the name of the robot made by ISRO for Gaganyaan mission? Name of the robot made by ISRO for Gaganyaan mission. A. IS robot. B. Vyom Mitra. C. Gaganyaan Mitra. Or is it D. Space Mitra? Come on. Yes. It is Raghav who has pressed the buzzer first. Yes, Raghav, again you have got two incorrect answers till now. Do you want to go with IS robot or do you want to rethink about your answer? No, IS robot.
You can change your answer. No. You want to go with it? You will get now. If your answer is wrong, now you will be disqualified for today's contest. Please, Mitru. Please, Raghav, you will be disqualified if your answer is wrong. Yes, Magic Screen ji, bataiye Raghav ka uttar sahi hai ya nahi? No, Raghav, I'm afraid it is not the correct answer. The correct answer is Vyon Mitra. Vyon Mitra, that is the correct answer. Raghav, will have to bid farewell to you. You cannot participate because we have a rule. If any candidate gives three wrong answers, he or she gets automatically disqualified. Now, only six candidates are left. Candidates, competition बहुत close हो रहा है. आपके अभी पांच क्वेश्चन बाकी हैं. Six candidates, five questions और दो को choose करना. पूछूं अगला सवाल? Yes sir. पक्का? Yes sir. Your next question is. Religious place of worship of Jews is called A. Gurdwara, B. Church, C. Tower of Silence, or is it D. Synagogue? Yes, who has pressed the buzzer? It is Chetan. Chetan, what's your answer? Church. Church. Do you want to go with it? Yes, sir. Yes, Magic Screen ji, bataiye Chetan ka uttar sahi hai ya nahi? Chetan ne bataya hai ki Jews ka religious place of worship church hai. Magic Screen ji, Chetan. It is not the correct answer, Chetan. Not the correct answer. The correct answer is synagogue. Church is a general term which is used for places of worship, but it is mainly used for Christians. Muskan, you have also been selected. So after the first eight questions, we have Ashish and Muskan who have been selected for the silver chair round. Now what I'm going to do? चार क्वेश्चन पूछूंगा, जिसने मैक्सिमम आंसर दे दिए वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है? दो मुस्कान और आशीष ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं. रेडी? योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस थ्रू इंडिया? ए इक्वेटर, बी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और इज इट डी आर्कटिक सर्कल? यस यस यस, हू हैज प्रेस्ड द बजर? It is Devik. Yes, Devik. B answer, Tropic of Cancer. Tropic of Cancer. You want to go with it? Yes, sir. Yes, Magic Screen ji, bataiye Devik ka uttar sahi hai ya nahi? Devik, your answer is absolutely correct. Very well answered, Devik. Tropic of Cancer indeed passes through India. That is 23.5 degrees north. Now, candidates, three question. Devik ne ek answer de diya hai. Ek candidate choose hoga. Three question. Devik jo hai head hai aapse abhi. Ready? Your next question is. Who has been the longest serving speaker of Lok Sabha? Lok Sabha ke longest serving speaker. A. Mr. Balram Jhakar, B. Mr. GMC Balyogi, C. Mr. Neelam Sanjeev Reddy, or was it D. Mr. Sukumar Sen? So C. Mr. Neelam Sanjeev Reddy? Yes. Sure. Yes. Changing an answer. Akshit, Magic Screen ne bataya hai ki aapka uttar sahi nahi hai. The correct answer is Mr. Balram Jhakar. He was from the state of Punjab only from 1980 to 1989. Father of current BJP president Mr. Sunil Jhakar ji. Candidates, Devik ahead hai. Agar do questions maine puchne hain, uttar nahi diya to Devik select ho jayega. Devik, agar aapne uttar de diya to aap select pakka hi ho jayoge. Ready? Your next question is, how many sessions did Constituent Assembly of India held for framing the Constitution of India? Yes, 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 it is Simardeep. Yes, Simardeep, what's your answer? A 9, B 10, C 11, or is it D 12? 12. Yes, Magic Screen ji, Simardeep ne sahi uttar diya hai ya nahi? Simardeep, that is not the correct answer. The correct answer is 11.
Constituent Assembly of India held 11 sessions for framing the Constitution of India. Last question, candidates. Last question. Ready ho? Puchho? Yes, sir. चलिए मैजिक स्क्रीन से अगला प्रश्न पूछते हैं. आइडेंटिफाई द प्रोसेस. हैव अ लुक एट द प्रोसेस एंड आइडेंटिफाई इट. ऑप्शंस नहीं है इसमें, नहीं ऑप्शन है. यस कम ऑन यू पीपल आर साइंस स्टूडेंट्स. कम ऑन, दैट इज अ वेरी कॉमन प्रोसेस. Devik has pressed the buzzer. Yes, Devik, what's your answer? Atomic structure, division of uranium. Yeah, you know, but what is the exact name of that process? Yes, come on. You are right. You are very near. Division of atoms. That is division of uranium. But what is the name of that process? So you are very near to giving the correct answer, but I will give you the points for this answer. The exact answer is nuclear fission. जोड़ों के दर्द से परेशान हैं? बैठने या चलने में दर्द होना, गठिया, कंधों की जकड़न, खिलाड़ियों को होने वाले दर्द, पुरानी डिस्क की बीमारी और गर्दन दर्द से बिना दवाई के छुटकारा पाएं। एट सरदार दीदार सिंह मेमोरियल जॉइंट केयर फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर. यहाँ है क्लास 4 लेजर थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ऑस्टियोपैथी और मसाज थेरेपी. सरदार दीदार सिंह मेमोरियल जॉइंट केयर फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, ऑपोजिट मिनी सेक्रेटरीएट, चंडीगढ़ रोड, होशियारपुर. कॉल 9915719555. ठीक है, न्यूक्लियर फिजन. देवी, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द सिल्वर चेयर राउंड. वी आवर थ्री कैंडिडेट्स फॉर सिल्वर चेयर राउंड आर आशीष फ्रॉम डीएवी कॉलेज स्कूल होशियारपुर, मुस्कान अगेन फ्रॉम डीएवी कॉलेज स्कूल होशियारपुर, एंड देवी फ्रॉम डीएवी कॉलेज स्कूल होशियारपुर. कंग्रेचुलेशंस कैंडिडेट्स फॉर गेटिंग सिलेक्टेड टू द सिल्वर चेयर राउंड. यस आशीष, नाउ कोई कुछ कॉन्फिडेंस आया? ये सर. कितना मन जीतना रखते हो आप? ये हारे तो जीतूंगा. कॉन्फिडेंस है पूरा कि इसके विजेता आप होंगे? मजा आ रहा है सर, बस मजा आ रहा. दैट इज द मेन थिंग. व्हेन यू स्टार्ट एंजॉयिंग द कंपटीशन ना, दैट इज द मेन थिंग, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक. Yes, Devik, thank you. Yes, sir. Which class? Sir, plus two. Plus two. Stream? Commerce. Commerce. तो क्या आगे क्या सोचा है? Sir, आगे तो फिर पहले plus two करेंगे, फिर उसके BCom CA के competitive exams. Sir, आशा रखते हैं कि आप जो है आज का contest जो जीत कर जाएंगे. Thank you so much, sir. Thank you. Yes, Muskan, again from DAV College School. Which class? Plus one. Plus one. और कौन सी स्ट्रीम है आपकी? आर्ट्स. उम्मीद रखते हैं कि आप भी जीती है, बट हमारे पास गोल्डन चेयर सिर्फ एक ही है. गोल्डन चेयर हमारे पास तीन तीन ही है. गुड लक कैंडिडेट्स. शैल आई बिगिन विद द सिल्वर चेयर राउंड? यस. ओके, नाउ फर्स्ट लेट्स हैव अ लुक एट द रूल्स. सिल्वर चेयर राउंड में जो फर्स्ट पार्ट होगा दैट इज एनिग्मा राउंड. एनिग्मा राउंड, ठीक है. इसमें क्या होगा, आई विल बी आस्किंग यू पीपल अ क्वेश्चन. थ्री हिंट्स विल बी गिवन फॉर दैट क्वेश्चन. इफ यू आंसर द क्वेश्चन आफ्टर लिसनिंग टू द फर्स्ट हिंट ओनली, यू विल गेट 10-20 पॉइंट्स. आफ्टर लिसनिंग टू टू हिंट्स यू विल गेट 15 पॉइंट्स. एंड आफ्टर लिसनिंग टू थ्री हिंट्स यू विल गेट 10 पॉइंट्स. इफ यू लिसन टू थ्री हिंट्स एंड देन आंसर द क्वेश्चन, यू विल गेट ओनली 10 पॉइंट्स. ओके, देन देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस राउंड एंड क्वेश्चन विल नॉट बी पास ऑन टू द नेक्स्ट कैंडिडेट. जिसका क्वेश्चन है उसी को उत्तर देना पड़ेगा. अंडरस्टूड? फर्स्ट इन दिस राउंड विल मूव फ्रॉम कैंडिडेट नंबर 1 2 एंड 3 एंड 3. शैल आई आस्क द क्वेश्चन? यस. चलो लेट्स बिगिन विद द एनिग्मा राउंड इन द सिल्वर चेयर राउंड. कंटेस्टेंट नंबर 1 आशीष. Given only 35 seconds to answer. So listen to the hint quickly and try to answer within 35 seconds. Ready? Yes, sir. Shall I ask? Contestant number 1, Ashish. Yes. Your time starts now. Yusuf Mehrauli, to whom these are attributed, was mayor of Bombay during final stages of Freedom Circle. You have to give me the name of the slogan. Second hint. Yusuf Mehrauli, second hint.
He was the main architect of Bombay Youth League formed in 1928 and in that year he put up a strong composition in the wake of something. What I need to do? You need to tell me the name of a slogan which he gave. And third hint. Third hint. He was also close to Mahatma Gandhi and was there at Gwalior Tank on August of 8, 1942 to bear Gandhi's call. Yes. Kush. तीनों हिंट से सोचा 1928 में क्या हुआ था 1942 में क्या हुआ था और फेमस इंडियन हिस्ट्री में इंडिपेंडेंस मूवमेंट में फ्रीडम स्ट्रगल में फेमस स्लोगन्स है वो. कम ऑन यू कैन गेट 10 पॉइंट्स. अधिक जानकारी के लिए विजिट करिए www.swastikalife.com. The correct answer is two famous slogans, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दो फेमस स्लोगन्स, क्विट इंडिया एंड साइमन गो बैक. यूसुफ हिराली ने ये जो क्वाइन किए थे, क्विट इंडिया एंड साइमन गो बैक. सो नो पॉइंट फॉर आशीष इन द एनिग्मा राउंड. यस डेविक, चांस है आशीष से ज्यादा मार्क्स पॉइंट्स लेने का. यूसुफ सर क्वेश्चन पर पता लगेगा. क्वेश्चन पर पता लगेगा. चलिए फिर पूछें क्वेश्चन. यस सर. यस क्वेश्चन फॉर डेविक, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. He was tutored for some time by Swami Haridas, a legendary composer from Vrindavan and part of stellar Gwalior court of Raja Raman Singh Tomar. So hint number two, please. Hint number two. From Haridas, he acquired not only his love for Dhrupad but also his interest in compositions in the local languages. The third hint, please. Third hint. He is said to have encouraged by one Ramchand to gain wider audience. Chand sent him along with his gift up north. What I have to do in this question? You have to give me the name of the personality. He was tutored. You have to give me the name of the personality. About whom am I talking? Can't recognize. You can't recognize. No issues. We have many more questions. You get lot of chance. The correct answer is again the famous personality. Everybody must have heard his name, Tansen. The correct answer is Tansen. He was in the court of Raja Man Singh Tomar of Gwalior. Tansen. Yes, Muskan. Abhi tak enigma round mein no point for Ashish and Devik. Muskan, aage nikalna hai? Yes, sir. Aapka प्रश्न टाइम स्टार्ट होता है अब. सो हाउ डिड दे सेलिब्रेट? वी वर नॉट सो डेमोन्स्ट्रेटिव दोस डेज. वी जस्ट शुक हैंड्स, हैड अ शावर इन द ड्रेसिंग रूम एंड वेंट बैक टू द होटल विद इन एन आवर, सेड सीडी गोपीनाथ. यू हैव टू टेल मी द इवेंट, व्हिच व्हाट इवेंट वाज इट. हिंट टू गोपीनाथ हैज अ प्राइज पोजेशन, द बॉल दैट वाज यूज्ड इन द डिसाइसिव इंग्लैंड सेकंड इनिंग्स. आई हेल्ड द कैच एट लॉन्ग ऑफ सो टू डिसमिस ब्रायन स्टैथम of Vinod Mankad. Hint 3. Name of the event. The year was 1952 and history was made at Chepauk. Yes. Sochiye. Event hai Indian cricket mein bahut famous. Sorry sir. Again. Uttar hai India's first test win. भारत की सबसे पहली टेस्ट विन. चलिए आफ्टर द एनिग्मा राउंड आशीष दैविक एंड मुस्कान, दे आर येट टू ओपन देयर अकाउंट्स. नो पॉइंट फॉर थ्री ऑफ देम इन द एनिग्मा राउंड. नाउ कंटेस्टेंट्स, आवर नेक्स्ट राउंड इज कैटेगरीज राउंड. फर्स्ट लेट्स हैव अ लुक एट द रूल्स ऑफ द कैटेगरीज.
participant with a lower score will get to choose first, but for in the Enigma round. So what we are going to do, we vote alphabetically. I'll ask Ashish first, then Devik, and then Muskan. There will be 5 categories. Each participant will have to choose one category and question will then be asked from that category. 10 points will be awarded for the correct answer and 5 points will be deducted if the answer is wrong. There is a lifeline. What is that lifeline? There are 5 contestants who could not qualify for the silver chair round. You people can ask any contestant out of those 5 about the answer. Okay? If that answer is correct, you will be awarded 5 points. If that answer is wrong, 5 points will be deducted. In case of wrong answer, the question will pass on to the next candidate. Candidates to whom the question has been passed on gives the correct answer, 5 points will be awarded to that candidate, that contestant. But no point will be deducted in case of wrong answer for the passed on question. Understood? Any doubt? Shall I ask the first question from Ashish? Ready? Answer yes. आपने जो first fastest finger में बहुत अच्छे answer दिए थे. चलिए आपके पास Ashish 5 categories है. Law and Constitution, Literature, Current Affairs, Movies and History. You have 5 categories. Which category would you like to choose? Movies. Movies. Sure. Yes sir. Interest है? Yes sir. कितनी देखते हो? सर देखता हूँ काफी. चलिए Movies. Ashish ने category choose की है Movies. Ashish, your question from movies is Saath Hindustani was the first movie of which famous Bollywood actor? Saath Hindustani. Very famous Bollywood actor. You can take the lifeline. No, no whispering please. You can take the lifeline. Sahi uttar par 10 ank milenge aur galat hua to minus 5 Ashish. Sir, I would choose lifeline. You would choose lifeline. Sure. Yes, sir. Agar try to recall, you will get 10 points. Otherwise, if you choose the lifeline. Sir, I think I know the name, but I won't. If you choose the lifeline, na, you will only be awarded 5 points. Sir, better than minus 5. Yes. 5 contestants waiting. Number 6. Number 6. Chetan? Akshit. Number 6. Akshit. I'm not sure, but I think Amitabh Bachchan. Sure. Yes, Ashish. Do you want to go with Amitabh Bachchan or not? I don't think Amitabh Bachchan. Come on, kya pata unhone kahin suna ho, kahin padha ho? I would go with Amitabh Bachchan. You will go with Amitabh Bachchan? Yes. यस मैं दिख स्क्रीन से पूछ लेते हैं फिर आशीष का आंसर सही है या नहीं. अक्षित ने सही उत्तर हेल्प की है आशीष की है तो माइनस 5 दिलवा दिया. दोस्ती निभाई या नहीं निभाई. इट इज द करेक्ट आंसर आशीष. यू शुड थैंक अक्षित. 5 पॉइंट फॉर आशीष इन द कैटेगरी राउंड. अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर बोथ आशीष एंड अक्षित. आशीष फॉर ट्रस्टिंग अक्षित. अक्षित वेरी वेल आंसर. 5 points for Ashish in the category round. Yes. Next question for Devik. Devik, you are left with only 4 categories. Law and Constitution, Literature, Current Affairs and History. Which work category would you like to choose? What is your interest? Yes, categories. What is your interest? I will go for History. You will go with? History. History. Interest sir? Yes sir. That's good. चलिए और देखते हैं मैजिक स्क्रीन जी क्या प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए. Your question from history is, in April 2010, a special press conference was called by a well-known entrepreneur to unveil a new logo. Atul Sushakar Rao Pandey, the artist whose entry was chosen, claimed that logo. A familiar pattern in the center, surrounded by sun, was instantly recognizable. The brand and logo was launched by a poor man from UP who explained the difficulty he had to even get a residency certificate. What logo was being made public? Ek logo chuna gaya tha jo public kiya gaya us din. Ek gareeb aadmi se, UP ke gareeb aadmi se wo logo jo hai wo release karwaya gaya tha. Aur us aadmi ne bataya कि इससे पहले मुझे रेजिडेंसी सर्टिफिकेट लेने के लिए कितनी प्रॉब्लम आती थी.
वो किस चीज का लोगो है जिसने जो है भारत का एक जिसने भारत में एक बहुत ही बड़ी जो चेंज लेकर आए। आई थिंक सभी के पास, सभी देखते होंगे रोज उसको, सभी के पास होगी वो चीज। कम ऑन, थिंक हार्ड, किस चीज का लोगो जो सभी के पास है। आधार कार्ड, आधार कार्ड, आधार कार्ड, लाइसेंस ले ली। I don't think so. Anyone will know this answer. Okay. But you want to go with Aadhaar card? Magistrate से पूछ लेते हैं फिर। Magistrate से पूछ ली। चलिए magistrate जी बताइए, उन्होंने आंसर दिया है आधार। It is the correct answer. Devik, your answer is definitely correct. 10 points for Devik in the category round. Big round of applause. Guess what? Yes, sir. And what a category is round we are having. Ashish, 5 points or Devik, 10 points. Muskan, which category would you like to do? Next question for you. Law and Constitution, Literature and Current Affairs. Law and Constitution. That is your favorite subject also, hai na? Now, let's see what Magic Screen has in store for you. Magic Screen ji, bataiye Muskan ne Law and Constitution, jo ki unka interest bhi hai, wo chuna hai. क्वेश्चन क्या है? योर क्वेश्चन इज 238 पीपल हैव सर्वड ऑन दिस पोस्ट। द फर्स्ट वुमन टू द पोस्ट वॉज फातिमा बीवी इन 1989। इट टुक 5 मोर ईयर्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द नेक्स्ट वन, सुजाता वी मनोहर। इन 29 ईयर्स सिंस ओनली 11 वुमन हैव बीन अपॉइंटेड। अर्लियर इन जनवरी 2018 द ग्रुप मेकिंग द अपॉइंटमेंट कन्फर्म्ड अ सेवंथ नेम, इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा शी बिकेम द फर्स्ट वुमन इन हर प्रोफेशन to be directly elevated to this role. Which post is being talked about? The post है जिसका, जहां पर फातिमा बीवी की पहली वुमन बनी थी जिनकी अपॉइंटमेंट हुई थी उस पोस्ट पर। उस पोस्ट पर आज तक 238 लोग रह चुके हैं। 2018 में इंदु मल्होत्रा भी को उस पोस्ट के लिए सेलेक्ट किया गया। किस पोस्ट की बात करते हैं? और वो पहले इंसान थे, महिला थे इंदु मल्होत्रा, जिनको अपनी प्रोफेशन में से उस पोस्ट पर एलिवेट किया गया था। किस पोस्ट की बात हो रही है? बहुत कम वुमेन जो है उस पोस्ट तक पहुंची है। यस, थिंक थिंक थिंक। सुना है आंसर तो? आंसर तो बहुत कॉमन है। बहुत कम वुमेन उस पोस्ट तक पहुंची है। कम ऑन, फातिमा बीवी कहां पर पड़ा था? शी वॉज फर्स्ट इन व्हाट? जैसा, हाउ मच टाइम वुड यू लाइक टू गिव हर मोर? 5 सेकंड। जैसा, मैं सिर्फ 5 सेकंड देने हैं। और द क्वेश्चन पासिस ऑन टू डेविक नाउ। यस डेविक, yes sir, you can get 5 points but no negative marking in case of wrong answer. Fatima Bibi sir, I think chief justice in India. Okay, have chief justice in India. Do you think 338 people? No, I think 1 minute. No, I have a doubt. If he tells the wrong answer, no, it will pass on me. Yeah, it will pass on to you. Sir, I would also like to pass the question, please. Pass? Yes, you can try. You will not get any negative points. Sorry, don't pass. जज साहब ने रोक दिया तो तब पास करना पड़ेगा। अगर उनको लगा कि टाइम ज़्यादा हो रहा है। बहुत करीब थे आप वैसे। सही उत्तर दे रहेगी ना? चीफ जस्टिस इज नॉट देयर। बहुत प्रेसिडेंट, 238 का होंगे।
बहुत करीब थे आप, क्या नाम है, डेविक बहुत करीब थे आप सही उत्तर के। वेरी नियर, यू वर वेरी नियर, वेरी, इतना सा मिस हो गया आपको। हाई कोर्ट जज, I would like to go with high voltage. I know it's wrong answer. But do you want to change a bit? थोड़ा सा change कर सकते हो? नहीं तो फिर medicine से पूछ लेते हैं। Sir, I know it's a wrong answer. अगर pass किया तो भी नहीं आएगा, wrong हो गया तो भी कुछ नहीं होगा। हाँ, पर सही भी हो सकता है। करीब हो, बहुत बहुत करीब हो। गलत के भी करीब हो सकते हैं, सही के भी करीब हो सकते हैं। पूछ लीजिए, मैं मैजिस्ट्रेट से पूछ लें। यस मैजिस्ट्रेट जी, बताइए सही उत्तर है या नहीं। देखते हैं मैजिस्ट्रेट जी क्या बताते हैं आंसर। इट इज नॉट द करेक्ट आंसर। शुड आई टेल द करेक्ट आंसर नाउ? देविक, यू वर आल्सो वेरी क्लोज एंड यू वर क्लोजर। द करेक्ट आंसर इज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। The correct answer is Judge of Supreme Court. Fatima Bibi was the first woman who was elected to this post in 1989. और इंदु मल्होत्रा जी lawyer, first woman lawyer है जो कि जिनको judge बनाया गया। After categories round, we have Ashish at 5 points, Devik at 10 points, and Muskan is yet to open her account. Our next round is buzzer round, and first let's have a look at the rules of the buzzer round. 6 questions will be asked in this round. The contestant pressing the buzzer first will get the chance to answer the question. 10 points will be awarded for correct answer and 5 will be deducted in case of wrong answer. In case of wrong answer, question will pass on to the next candidate and 5 points will be awarded if that candidate gives the correct answer, but there is no negative point in this scenario. The one who has pressed the buzzer will have to answer, otherwise he or she will get minus 5. बजर राउंड में आगे जाने से पहले हमारे पास हमारी ऑडियंस के लिए भी जैसा लगता है कुछ लेकर आए हैं। नेशनल बेकरी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, नेशनल बेकरी सेशन चौक होशियारपुर की तरफ से जज साहब ये गिफ्ट हैम्पर आपको आपके लिए लेकर आए हैं जज साहब। लेकिन उससे पहले आपको एक क्वेश्चन देना होगा आंसर। जज साहब कहते मैंने फ्री में नहीं देना ये गिफ्ट हैम्पर, मैं कहते उससे पहले आपसे सही उत्तर लूंगा मैं। ऑडियंस रेडी, गिफ्ट टेम्पल लेकर जाना है। चलिए चलिए। विच लोधी रूलर फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा इन 1504? विच लोधी रूलर नहीं फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा? नहीं, लाइफ लाइन का शेयर करना है फिर। चल तू बता दे आंसर, आंसर मैं देता हूँ, आधा आधा कर लेंगे। गिफ्ट हैम्पर है, अच्छी स्कीम है। यस यस यस, राजो आप आंसर देना चाहते हो हैं? लोधी रूलर का नाम पूछा मैंने, किस लोधी रूलर ने आगरा शहर बसाया था 1504 में? यस माइक, यस यस यस, राजो आंसर देना चाहते हो? Yes, anybody? नहीं, it was सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी। अगला क्वेश्चन पूछूं? गिफ्ट टेम्पल लेकर जाओ। Your question is, काबुल is the capital of which country? काबुल किस देश की राजधानी है? यस 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 बेटा, व्हाट्स योर नेम? सिमरदीप। सिमरदीप, यस सिमरदीप, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, पक्का? हाँ जी। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सिमरदीप, इसका करेक्ट आंसर काबुल जो है इंडीड अफगानिस्तान की ही राजधानी है। वेरी वेल आंसर। और जज साहब जो है अब गिफ्ट हैम्पर जो हैंड ओवर करेंगे सिमरदीप को। प्लीज
थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू जज साहब हमारी वंडरफुल फैबुलस ऑडियंस के लिए गिफ्ट हैंपर लेकर आने के लिए। थैंक यू। नाउ चलिए अब शुरू करते हैं बजर राउंड। रेडी? सिक्स क्वेश्चन 60 पॉइंट्स और सभी आप बहुत ही करीब है, कोई भी आप में से सिलेक्ट हो सकता है गोल्डन चेयर राउंड के लिए, बट यू विल हैव टू गिव द करेक्ट आंसर ऑफ मैक्सिमम नंबर क्वेश्चंस व्हाटएवर। यस कंटेस्टेंट्स, हैंड्स नियर योर बजर। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइन एज एन इंडियन डिश ऑफ पफ राइस स्पाइस एंड हॉट चटनी। इंडियन डिश, यस आशीष हैज प्रेस्ड द बजर। आशीष व्हाट्स द आंसर? इफ यू गिव अ रॉन्ग आंसर देन यू विल गेट -5। हाँ, इंडियन डिश ऑफ पफ राइस, इट इज मेंशन्ड इन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, पफ राइस स्पाइसेस एंड हॉट चटनी। आई वांट टू गो विद भेलपुरी। भेलपुरी, भेलपुरी ऑक्सफोर्ड में है, भेलपुरी का वर्णन। टेक्निकली सर अगर डिफाइन किया जाए भेलपुरी में यही होता है, पफ्ड राइस होते हैं, स्पाइसेस होते हैं और चटनी होती है। 10 पॉइंट्स लेना चाहते हो? मुझे तो -5 हो जाएंगे। लेना तो चाहते हो। चलो देखते हैं कि आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं या नहीं। यस बताइए मैजिस्ट्रेट जी, इज इट द करेक्ट आंसर? मैजिस्ट्रेट जी बताइए। इट इज द करेक्ट आंसर। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भेलपुरी वर्ड में डिफाइन किया गया है डिश ऑफ पफ्ड राइस स्पाइसेस एंड हॉट चटनी। वेरी वेल आंसर आशीष, यू एंड अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू। गुड गेस, गुड गेस, ब्रिलियंट गेस। 10 पॉइंट्स फॉर आशीष इन द बजर राउंड। सो आशीष इज एट 15 पॉइंट्स टिल नाउ, देविक एट 10 पॉइंट्स एंड मुस्कान। कम ऑन, शैल आई आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन? आशीष रेडी? David, Muskan, your next question is, Lotus Temple in Delhi is a place of worship of followers of which community? Yes, again Ashish, lagta hai ki sare points ikattha karoge na is round mein. Yes, bataiye. Sir, 1986 mein dedicate ki gayi thi Bahai houses. Well, Bahai, you want to go with Bahai? Yes, sir. Pakka? Bahai, faith. Okay, you want to go with it? Yes, sir. Yes, 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 Majesty ji, बताइए आशीष, is आशीष answer correct or not? He has answered Bahai community. Yes, आशीष, your answer is absolutely correct. We found the answer, आशीष. Very well answered, आशीष. It is indeed Bahai. और दुनिया में, it is one of the 7 temples which are dedicated to Bahai community worldwide. Very good, आशीष. Very good. Very well answered. दो क्वेश्चन पूछे गए हैं बजर राउंड में और दोनों के उत्तर सही दिए हैं आशीष ने। रेस्ट ऑफ द 10 डेज, कम ऑन आशीष, जो है बहुत तेजी से आगे जा रहा है, पकड़ो आंसर दो। मुस्कान, देविक, आशीष, यू आर एट 25 पॉइंट्स नाउ। मुस्कान कम ऑन, आपके पास चांस है, 4 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज United Nations Day celebrated? Again Ashish, लगता है 60 का 60 जेब में डालने का मूड है आपका। Come, yes Ashish. Sir, I am not. Then you will get confident. It's either 22nd or 24th October. And what is your final answer? I want to go with 24th October. 24th October. That is your final. Yes. दर्शकों, आशीष ने 24th ऑफ अक्टूबर आंसर दिया है कि उस दिन यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। चलिए अब हम अपनी मैजिक स्क्रीन से पूछते हैं कि आशीष का आंसर सही है या नहीं। जी मैजिक स्क्रीन जी बताइए। मैजिक स्क्रीन ने आशीष पता क्या बोला है? ये आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है, वेरी वेल आंसर। इट इज इंडीड 24th अक्टूबर, it because it was established on 24th of October 1945, and that day since then is celebrated across the world as United Nations Day. Teen Prashan
तीन सही जवाब आशीष के लिए और 30 पॉइंट्स। आई थिंक ही डिजर्व्स अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। आशीष आज तो लगता है पूरा निश्चय करके आए हैं आप कि मैं 5100 जीत के जाऊंगा है। चलिए हम आशा रखते हैं कि आप जीते, हम आशा रखते हैं कि सभी जीते। चलिए चौथा क्वेश्चन बजर राउंड का हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए। मैजिस्ट्रेट जी बताइए, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सोचिए सोचिए। कमॉन कमॉन बजर, मुझे बजर की आवाज चाहिए। साइलेंस नहीं, यू वांट टू आंसर? यस इट इज देविक हु हैज प्रेस्ड द बजर। यस देविक, मिस इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी। पूछ लीजिए, पूछूं मैजिस्ट्रेट से? बिल्कुल सर पूछिए। चलिए पूछते हैं। चलिए मैजिस्ट्रेट जी बताइए कि सही उत्तर है या नहीं। इंदिरा गांधी वॉज नॉट द फर्स्ट वुमेन, ठीक है। द आंसर इज राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर, या एंड यू गेट -5 पॉइंट। दो प्रश्न रहते हैं सिर्फ। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इवेंट इज बीइंग डिपिक्टेड इन द पिक्चर? अगेन आशीष, अगेन आशीष, कौन सा इवेंट इस पिक्चर में दिखाया गया? सर इट्स एन इमेज ऑफ पोखरण। ओके, न्यूक्लियर वेपन वाज। श्योर? यस सर। मेरे फर्स्ट मैजिक स्टिक से पूछे? यस सर। -5 हो जाएगी, हो जाए सर। चलिए बताइए मैजिक सिंह जी कि उत्तर सही है या नहीं। आशीष आई एम अफ्रेड इट इज नॉट द करेक्ट आंसर। आशीष इट इज नॉट द करेक्ट आंसर। तो द क्वेश्चन पासिस ऑन टू मुस्कान नाउ। यस मुस्कान, आई आल्सो वांट टू पास दिस क्वेश्चन। हां पास दिस क्वेश्चन। यस सर, आफ्टर इंडो पाक वॉर इन 1971। या या या, इट वाज अ सरेंडर डॉक्यूमेंट साइंड बाय पाकिस्तानी जनरल एके नियाज़ी। यस यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट डेविक, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। वेरी गुड आंसर, दैट वाज अ करेक्ट आंसर। इट वाज अ सरेंडर डॉक्यूमेंट साइंड बाय एके नियाज़ी एंड मिस्टर जगजीत सिंह अरोड़ा इज सिटिंग नेक्स्ट टू नियाज़ी। जब पाकिस्तान के तकरीबन 1,00,000 सैनिकों ने भारतीय फौज के आगे घुटने टेक लिए थे 1971 की वॉर में और उनको प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया था जब, और बांग्लादेश का जन्म हुआ था उस वॉर के बाद। आई विल प्ले एन ऑडियो, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट ऑडियो। ओके, सारे जहां से अच्छा। नहीं 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 नहीं, सारे जहां से अच्छा तो ठीक है, पर ऑडियो है कहाँ की, कहाँ किस चीज, कब बजाई गई थी, मतलब किस चीज के लिए बजाई, कौन कौन सी चीज ही ऑडियो सब थी। ना ना ना, दिखा भी नहीं। विच इवेंट, किस इवेंट? इवेंट कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो ये ऑडियो बजाती थी, जैसे हमारा बैटल ऑफ ब्रेन्स है ना, उसमें जब बैटल ऑफ ब्रेन्स का एक सिग्नेचर म्यूजिक है जो सिर्फ हमारा ही है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का ये म्यूजिक
कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की ये ट्यून है। दोबारा भी आते हैं मैम, प्लीज काइंडली प्ले द ट्यून अगेन। Yes. I just totally knew the name of the song. No, that's so. Not what I'm asking. Which? Hanji. Devik. Sir, अगर answer करो तो -5 तो नहीं होंगे इसमें? होंगे नहीं, आपके आपको नहीं होंगे। सर मतलब organisation की हमें event बताने के। Organisation. सर ये हमारे जब स्पोर्ट्स जब हम गेम्स खेलते हैं तो उसके बाद जब हमारा जीतती हमारी कंट्री तब नहीं मतलब नेशनल एंथम के वो दिस इज अ सॉन्ग। हाँ जी सॉन्ग है पर ये ट्यून है, एक सिग्नेचर ट्यून है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, आपने उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है। यस आशीष। अच्छा चलिए हम मौका देते हैं अपनी ऑडियंस को, ऑडियंस में से हाथ जैसा किससे पूछे, ऑडियंस में से ये क्वेश्चन हाँ जी जैसा राघव फ्रॉम डीएवी कॉलेज हशियारपुर। यस राघव, व्हाट्स द आंसर? डीडी नेशनल चैनल, दूरदर्शन इज द करेक्ट आंसर। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर राघव। वेरी वेल आंसर राघव। राघव क्या करोगे इतने बड़े गिफ्ट हैंपर का? है राघव, दोस्तों के साथ पार्टी के लिए अकेले खुद ही खाना है ये सारा कुछ? नहीं नहीं, दोस्तों के साथ। चलिए जज साहब जो है हम आपको गिफ्ट हैंपर जो हैंड ओवर करेंगे। यस राघव फ्रॉम डीएवी कॉलेज हशियारपुर, कांग्रेचुलेशंस राघव। थैंक यू सर। दूरदर्शन की सिग्नेचर टीम है ये, दूरदर्शन देखा नहीं होगा कभी है ना? Amazon प्राइम नेटफ्लिक्स ये है। वेरी वेल आंसर राघव, इट वॉज अ ब्रिलियंट आंसर। आफ्टर सिल्वर चेयर राउंड आशीष एट 30 पॉइंट, देवी एट 10 पॉइंट एंड मुस्कान कुड नॉट ओपन हर अकाउंट। मुस्कान डोंट बी इन अ स्टेट ऑफ डिस्पेयर, लाइफ विल गिव यू एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। वी हैव आशीष हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द गोल्डन चेयर राउंड, कॉन्ग्रेचुलेशन आशीष। यस आशीष, first of all congratulations for getting selected to the golden chair round. Thank you, you sir. Gave some brilliant answers, you gave lot of answers today. Kaise kya ab kaise lag raha hai golden chair par aakar aapko? I am enjoying sir. You are enjoying, sir told me in the beginning that you are here to enjoy, here to have fun and khelte khelte enjoy karte karte ab aap aa chuke hain golden chair par. To kya आशीष एम क्या है लाइफ का, थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में? सर कॉमर्स कर रहा हूँ फिलहाल प्लस टू में, उसके आगे कुछ नहीं पता क्या करेंगे देखेंगे। क्यों सोचा नहीं कुछ की क्या बनना है क्या नहीं बनना है? नहीं सर, मुझे पता लगा है कि आपका टेक्नोलॉजी में बहुत यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। यू लाइक गैजेट्स? यस सर। ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट, पूरा अप टू डेट रहते हो गैजेट्स को लेकर। कौन सी फेवरेट गैजेट है सर? आई लाइक ऑल एप्पल और विंडोज, आई कैन ऑपरेट एनी ऑफ देम। ओके ओके ओके, दैट्स ग्रेट, दैट इज अ नीड ऑफ एन आवर। आजकल सभी खुश है ही सारा टेक्नोलॉजी के बेस पर ही। डू लाइक मूवीज? यस सर। व्हाट टाइप ऑफ मूवीज? एक्शन और फनी मूवीज। एंड हु इज योर फेवरेट एक्टर?
रणबीर कपूर. रणबीर कपूर. ग्रेट 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 ग्रेट. वी विश दैट यू विन 5100 रुपीस इन द गोल्डन चेयर राउंड. बट फर्स्ट लेट्स हैव अ लुक एट द रूल्स ऑफ द गोल्डन चेयर राउंड. फाइव क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड. यू विल गेट द चांस टू आंसर ऑल द फाइव क्वेश्चंस एंड then you will get cash prize accordingly. For one correct answer, rupees 1100, two correct answers, 2100, 3100, 4100, 4100. If you give the correct answers of all the five questions, you will win 5100. Nothing will be deducted. If the answer is wrong, try to take the money back from you, okay? There is no lifetime limit in answering the question. Understood? Yes. Just sir, start karein, golden jay round, Ashish ke saath. Chaliye, Ashish ji. Your knowledge and reign supreme. Shall I ask the first question? Yes, sir. Ashish, your first question is, who is the founder of the newspaper, the Indian Express? Indian Express ke founder kaun the? Is it A. Ramnath Goenka, B. G.D. Birla, C. Jamshedji Tata, or was it D. Jadavbhai Naroji? Sir, A. Ramnath Goenka. Ramnath Goenka. Pursue a newspaper, Indian Express. सर नॉट रियली बट कभी 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 न्यूज़पेपर का शौक है. हाँ जी बहुत अच्छी बात है. चलिए देखते हैं कि रामनाथ कौन का सही उत्तर है या नहीं. चलिए मैजिक स्क्रीन जी अब हमें बताइए कि रामनाथ गोयनका जो आंसर दिया है मिस्टर रामनाथ गोयनका आशीष ने क्या वो सही है या नहीं. देखते हैं. और आशीष आपको बधाई हो क्योंकि आपको 1100 रुपए जीत चुके हैं. 1100 अब आपको 1100 रुपीज का चेक कैश प्राइज देते हैं. कंग्रेचुलेशन आशीष वेरी वेल आंसर्ड. बहुत ही सही उत्तर था. 1932 में ये न्यूज़पेपर जो है स्टार्ट किया गया था. जस साहब बता रहे हैं कि 5100 रुपीस देकर जाने हैं आज. सभी सारा कैश प्राइस जज साहब के पास है. अगला प्रश्न पूछूं? यस सर. देखते हैं कि आशीष अगले प्रश्न का सही उत्तर देके 2100 जीतते हैं या नहीं. आशीष योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंगस्ट द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द फर्स्ट टू यूज द वर्ड पंजाब. पंजाब वर्ड जो है सबसे पहले इनमें से किसने यूज किया. ए अकबर, बी इब्न बतूता, सी बदौनी और इज इट डी मिनहाज उस राज. पंजाब वर्ड द लैंड ऑफ फाइव रिवर्स सबसे पहले इनमें से किसने यूज किया था. सप्तसिंधु सर. सप्तसिंधु कहते थे पहले महाभारत के टाइम पे. आप बिल्कुल सही है. सप्तसिंधु कहते थे पर पंजाब वर्ड है. वर्ड ये पंजाब शब्द किससे किसने सबसे पहले यूज किया. था तो सर मुगल का टाइम उस टाइम पर. आई वुड लाइक टू गो विद इब्न बतूता. चलिए मैजिक स्क्रीन जी हमें बताइए इब्न बतूता सही उत्तर है कि नहीं. क्या आशीष दूसरे प्रश्न का सही उत्तर देके 2100 जीते हैं. देखते हैं अब. आशीष मैजिक स्क्रीन ने आपको बोला है कि जज साहब को बोला है कि 2100 रुपीस का कैश प्राइज आपको हैंड ओवर करे बिकॉज दैट इज द करेक्ट आंसर. आशीष क्या कमाल का खेल रहे हैं आप आज. कंग्रेचुलेशंस. आज तो आशीष तो वैसे घर से सोच के चले हैं कि कोई प्रश्न जो है खाली जाने नहीं देना. सभी प्रश्न के सही उत्तर दे रहे हैं आप. तो आशीष 2 out of 2 टिल नाउ. आशीष आपका अगला प्रश्न है विच सिटी विल होस्ट ओलंपिक गेम्स इन 2032. 2032 में कौन सा सिटी ओलंपिक गेम्स होस्ट करेगा. ए ब्रिस्बेन, बी जकार्ता, सी मॉस्को और इज इट डी मैड्रिड. आई थिंक इन रशिया और रशिया में सिटी पड़ती है मॉस्को. यस बिल्कुल सही. मैड्रिड स्पेन नहीं होगा. स्पेन में अभी हो चुका है आई थिंक. 32 में ओलंपिक्स कहां पर होगी.
जकार्ता ब्राज़ील में, ब्रिस्बेन में को पता नहीं, ब्रिस्बेन या मॉस्को। सोचिए सोचिए, रशिया कर सकती है 2032 में होस्ट कर रही, जो हालात है उनके, कर भी सकती है, कर भी सकती है। 2018 में भी उन्होंने सोची में की होस्ट, अभी वॉर चल रहा है, पर 32 की बात कर रहे हैं हम। हाँ जी, 9 साल बड़े हैं। मैड्रिड है नहीं, जकार्ता भी नहीं है, ब्रिस्बेन और मॉस्को। आई वुड लाइक टू गो विद मॉस्को। यू वुड लाइक टू गो विद मॉस्को। मैड्रिड जकार्ता भी हो सकते हैं। जकार्ता, ब्रिस्बेन के बारे में आप बोल रहे हैं कि सुना नहीं है। सोच लीजिए, वक्त है आपके पास, चेंज कर सकते हैं आप। सर, आई वुड लाइक टू गो विद जकार्ता। आशीष जो है जकार्ता के साथ जाना चाहते हैं। आशीष पक्का? यस। चेंज नहीं करना चाहते आप? फाइनल। चलिए मैजिक स्क्रीन जी, बताइए क्या ये उत्तर भी आशीष ने सही दिया है कि नहीं, क्योंकि अगर ये उत्तर सही है तो आशीष जीत जाएंगे 3100 रुपीस। आशीष के फ्रेंड्स दुआ करते हुए, इट इज नॉट द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज ब्रिस्बेन इन ऑस्ट्रेलिया। इट इज इट इज इन ऑस्ट्रेलिया डेट विल होस्ट 2032 ओलंपिक्स। आशीष अगला प्रश्न पूछूं? ये सब। चलिए आशीष, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंस 1st अप्रैल 1963 बाय व्हाट नेम इज दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट नोन? ए सीबीसी, बी यूपीएससी, सी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, और इज डी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, बी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, और इज डी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यूपीएससी नहीं है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट 1941 में शुरू हुई थी ये, उसको आज की डेट में किस नाम से जाना जाता है? सर, व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ एनएचआरसी? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। एनसीवीसी? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। कम ऑन, थोड़ा लॉजिकली सोचिए, यू विल बी एबल टू आंसर। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। दर्शकों देखते हैं कि आशीष सही उत्तर देते हैं या नहीं। आशीष 3100 रुपीस। सर, इट्स आइदर ए और डी। सो फाइनल आंसर क्या होगा आपका? सीबीसी कभी सुना नहीं है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया सुना होगा। क्या सुने के साथ जाना चाहते हो? पिछली बार नहीं किया था। इस बार भी सर जाना चाहता हूँ सीबीआई। सीबीआई? यस। चलिए मैजिस्ट्रेट जी, आशीष ने उत्तर दिया है सीबीआई। क्या आशीष का उत्तर सही है या नहीं, हमें बताइए। आशीष, इट इज द करेक्ट आंसर। यू वन 3100 रुपए। वेरी वेल आंसर्ड आशीष। इट वाज फाउंडेड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 इन 1941 एंड एन एक्ट वाज लेटर पास्ड इन 1946, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। इट लेटर केम टू बी नोन एज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन आफ्टर 1963। Very well answered, Ashish. Thank you, sir. Ashish, 3100 आप जीत चुके हैं। Yes, sir. बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं आज आप। Last question है। Yes, sir. 4100 आप जीत सकते हैं। और हम चाहते हैं
हमारे जीबीसी ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन अपडेट की टीम चाहती है कि आप 4100 जीते और बड़ी पार्टी करें। थैंक यू सर। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस कॉन्टेस्ट फॉर आशीष इज अकॉर्डिंग टू रामायणा व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ इंद्रजीत? मेघनाथ। आपने तो ऑप्शंस भी नहीं सुनी, ए कुंभकर्ण, बी रावण, सी विभीषण और इज इट डी मेघनाथ। एंड योर आंसर इज करेक्ट। योर आंसर इज व्हाट इज योर आंसर? मेघनाथ। की मैजिस्ट्रेट जी ने भी मेघनाथ सही उत्तर बताया है। वेरी वेल प्लेड, वाओ, व्हाट ए रन आशीष हैज हैड टुडे। ही मिस्ड वेरी फ्यू क्वेश्चंस टुडे। ही गेव द करेक्ट आंसर्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन दैट वाज put to him. So Ashish, congratulations for winning 4100 rupees. Congratulations. Wow. What a run Ashish has had. He gave some brilliant answers. So I will call it a day now. Jassa, shall we end today's contest? Yeah.